अस्सलाम वालेकुम बख़ैर आ रही, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीव बॉक्स। आज मैंने बनाना था BRT का ब्लॉग, पर उससे पहले हम जाएंगे नाश्ता करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा चलो नाश्ता करते, तो मैंने कहा ठीक है पहले नाश्ता करते हैं फिर जाएंगे BRT की तरफ। तो अभी जो कन्फर्म लोग हैं, एक अली है, एक मैं हूँ, एक उमर है और एक अमार है। और रास्ता इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी सुबह के तकरीबन 5:30 हो रहे हैं। सो गाइज़, मैं तो सुबह के 5:30 गली में घूम रहा हूँ, और ये इसमें से अभी ना उमर आया है, ना अली आया है, और ना ही अमार आया है। हालांकि मुझे मैसेज कर दिया और अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा। दो लोग आ गए, अभी अली का वेट कर रहे हैं, इसको उसके अम्मी अब्बू नहीं उठा सकते, हम कैसे उठाएंगे। उठाओ ना, तू तो कह रहा था उठाए, उठेगा ना अभी। ते खड़े हैं, देख जरा, उठा नहीं रहा, काट दिए। शो देगा बच्चा, वो बढ़िया है। नाश्ते वाली जगह पर आ गए हैं अली भाई, क्या सीन है भाई? नाश्ता कर लिया, अभी हम जा रहे हैं BRT पे। अली कौन से स्टेशन पे जा रहे हैं, कहाँ होते तेरे दोस्त? दोस्त कहाँ होते फिलहाल आई नहीं, जो फ्री के कार्ड खत्म होने के बाद भी हमें बना के देगा। अली स्टेशन का क्या नाम है इस BRT वाले? FC चौक वाले स्टेशन। अभी हम ऊपर जा रहे हैं बसों की तरफ, पता नहीं बस अली रवाना हुई है कि नहीं। रवाना हो रही है बस, हम देखते रहेंगे बसों को, और हम बसे में देख रहे हैं। तू बस कंडक्टर है? नहीं। तो तुझे कैसे पता रवाना हो रही है? BRT स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 3 पे हम आ गए। प्लेटफार्म में साफ सफाई हो रही है अभी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हम आ गए हैं, अभी बस का वेट। सो फाइनली BRT में बैठ गए, आपको दिखाते हैं अंदर से बस, और AC लगा हुआ है। अगस्त का क्या सीन था अली, बताओ? ऐसे गांव में जैसी स्टेशन पे बस जो रुकी है ना, तो एकदम वो पकड़ा है दरवाज़ा, यूँ खुलने शुरू करते, कड़कड़ और वो खुल जाए, वो तो ओपनिंग हो रहा है ऑटोमेटिक, जो एक रुकी की तो ऑटोमेटिक ओपन होगा, लेकिन नहीं, हमारी गांव को पाकर पाने फजूल अजीब दिमाग की गांव में, जैसी कड़ी उतर 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 शुरू करती है, अजीब मेंटली लोग हैं यार, इनका कोई हाथ परसाने आली डंडन को मारना चाहिए पकड़ के। तो अभी हम BRT के फाइनल स्टेशन पर आ गए हैं, कारखानों मार्केट, और अली कह रहे हैं कि जुगाड़ करते हैं उसे टिकट वापस जाते हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, घर आ गए हैं, और अभी कुछ बात करेंगे BRT के एक्सपीरियंस के बारे में। तो ओवरऑल बस अच्छी थी, AC था, दूसरी बात कंफर्टेबल तो उतनी नहीं थी, लेकिन अच्छी थी, बुरी नहीं थी, क्योंकि लोकल ही है ना, लंबे रास्ते के लिए तो हमने नहीं जाना। AC था उसमें, दूसरा ये हर सीट, मतलब जो 2 सीटें थी उसके साथ चार्जर था, वाईफाई था, लेकिन जो बस का वाईफाई था वो काम नहीं करता था, जो स्टेशन का वाईफाई था वो ठीक था,
अब बात करते हैं लोगों के बारे में जो 14 अगस्त पे उन्होंने किया है। तो सबसे पहले उन्होंने उसकी सीटें फाड़ी हैं, कोई छत वो एमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकला हुआ था ऊपर बस के डांस कर रहा था, कोई बस को डैमेज कर रहा था, किसी ने सिक्योरिटी गार्ड्स को मारे। तो इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी एग्जांपल मैं आपको छोटी सी देता हूँ। अब आप जाते हैं बाज़ार, एक चीज़ लेकर आते हैं आप 50 रुपये की, ठीक है, आपको चाहिए होती है एक दो दिन बाद, फिर आप जाते हैं वो नहीं मिलती, वो मिलती है 100 रुपये की, फिर मतलब 50 में नहीं मिलती, 100 में मिलती है। तो आप लोग क्या करते हैं, 100 की ख़रीदते हैं तो आपके दिल में उसकी कदर ज़्यादा होती है। तो BRT का भी यही हिसाब है, ये जिस पैसों में बननी थी उसमें नहीं बनी, तो उससे तकरीबन डबल लगे। तो ख्याल करिए, आपके लिए ही बनी है, हमारे लिए बनी है, सफ़र के लिए बनी है। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही था, मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। Here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do. जा BRT में रहते, पहुंच गए हम स्टेशन अली। अगली बार मैं तो कहता हूँ स्वैप वो करके ना जाते हैं उधर, कहते हैं हैदराबाद से वापस आएंगे, फिर चमकनी से वापस आके आगे 15 रुपए भी दे, आगे कंटोन बोर्ड वाले स्टॉप पे वो कर देंगे, कहता है पूरी BRT का चक्कर मार के 15 रुपए देंगे। देख जुगाड़ी बंद है, जुगाड़ी एम लेजेंड, एक्स्ट्रा लेजेंड, अल्ट्रा लेजेंड। चाचा भी देख रहे हैं तेरे, अच्छा अल्ट्रा लेजेंड, हां ना अल्ट्रा लेजेंड। चाचा भी तेरा अंकल देखे कैसा बंदा है, थोड़ा सोचना चाहिए ना अपने लिए, इकोनॉमी के लिए सोचना चाहिए। ओ गवर्नमेंट को दबाव बर्बाद कर, गवर्नमेंट हमें दबाव कर दिया, हम उनको दबाना करें। वो देख कल जो BRT का हाल किया, ये तो कुछ काम है।